गुजरात में बदला, चुनाव जीता। उत्तराखंड में बदला, चुनाव जीता। त्रिपुरा में बदला, चुनाव जीता। मुख्यमंत्री बदलो, चुनाव जीतो। बीजेपी का अनोखा फार्मूला क्या महाराष्ट्र में भी होगा लागू? लोकसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां लोकसभा में उम्मीदवारों के चयन में जुटी है, लेकिन बीजेपी है कि अलग ही फार्मूले पर काम कर रही है। ये फार्मूला इतना हिट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने मित्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और शाम को नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाकर राजपाट सौंप दिया। नवंबर 2024 में ही हरियाणा के चुनाव होने हैं, यानी नायाब सिंह सैनी अभी सिर्फ 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फिर भी ये कदम बीजेपी ने उठाया, ये कदम बता रहा है कि बीजेपी उस हिट फार्मूले पर काम कर रही है जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बीजेपी का ये नया स्टाइल है, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलो और चुनाव जीतो। बीजेपी का ये फार्मूला कई राज्यों में सफल रहा। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत गई। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत गई। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत गई। हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं बदला तो चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश का नहीं बदला फिर भी चुनाव जीत गई। उत्तर प्रदेश का भी नहीं बदला फिर भी चुनाव जीत गई। कर्नाटक का बदलने के बाद भी हार गई। और अब ठीक चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिया है। शायद आपको ये पता नहीं है कि इसी हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का भी चुनाव होना है, तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बदलो चुनाव जीतो का फार्मूला लगाएगी? इसी को लेकर महाराष्ट्र में चर्चा तेज हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भी बीजेपी खेला कर सकती है, बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में भी उलटफेर कर सकती है। राजनीति के जानकार और सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 3 अलग अलग सर्वे कराए हैं, लेकिन जो सर्वे आए हैं वो पार्टी के अनुकूल नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र को हाथों हाथ लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, कई योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, तो कई का भूमि पूजन कर लोगों को मोदी की गारंटी के नाम पर लुभा रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद नहीं है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल कर रखा है और महाराष्ट्र में सब कुछ बीजेपी के अनुकूल नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाली सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड था, जनता में भी उनकी छवि अच्छी थी। तभी तो बीजेपी ने विधानसभा 2019 में अकेले अपने दम पर 105 सीट जीती थी। लेकिन अब जो सर्वे है, जो आंकड़े बीजेपी के सामने पेश हुए हैं, वो इतने अच्छे नहीं है कि बीजेपी इसको लेकर चुनावी मैदान में उतर सके। ऐसे में लोगों के कयास और चर्चा के बीच बीजेपी महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बदलने वाला खेला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।